हम शुरू कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? इट इज डिफरेंस बिटवीन, इट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये हम ना भी लिखें एक्चुअल आउटपुट तो भी चलेगा, बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट तो एक्चुअल आउटपुट की ही होगी ना, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट भी हमने एक्चुअल आउटपुट की लेनी है। समझ गए बात? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, इस चीज का मतलब समझो। पहले मैंने यहां पर क्यों लिखा फॉर एक्चुअल आउटपुट? मेरा स्टैंडर्ड यह कहता है कि मैं 100 केजी में 5 यूनिट्स बना पाऊंगा, यह मेरा स्टैंडर्ड कहता है। क्या 100 केजी मटेरियल अगर मेरा रॉ मटेरियल होगा तो मेरी 5 यूनिट्स की आउटपुट आएगी। अब मेरी आउटपुट एक्चुअल में है 1000 यूनिट्स, तो बताओ मेरे को इसके लिए कितना मटेरियल चाहिए था? बीस हजार केजी, सही बताया भाई इसने? बताओ भाई तुम, ठीक है पक्का? अब ये 20,000 केजी क्या है? स्टैंडर्ड। जब मुझे 20,000 को कंपेयर करना है तो मैं अगर मान लो इस 1000 यूनिट्स बनाने पे मेरी एक्चुअल आउटपुट कंज्यूम हुई, मान लेते हैं एक मिनट के लिए 21,000, तो मैं 21,000 को 100 से कंपेयर नहीं करने वाला, मैं किससे कंपेयर करने वाला हूं? इससे, इससे नहीं करने वाला मैं, समझ रहे हो बात? तो मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट लेनी है किस चीज के लिए? फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए। मेरा बजटेड डेटा भी हो सकता है, बजटेड से भी कंफ्यूज नहीं होना, बजटेड से भी नहीं कंपेयर करनी। भाई मेरा बजट है मैंने 800 यूनिट्स बनाने हैं, तो इस हिसाब से मेरी कितनी मटेरियल कंज्यूम होगा? 16,000 केजी। 16,000 केजी क्या है? मेरा बजटेड मटेरियल है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड मटेरियल। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बजटेड मटेरियल एंड स्टैंडर्ड मटेरियल। स्टैंडर्ड बेसिकली जो हमारा टेक्निकल एस्टीमेट था उसके बेसिस पे हमने जो एक्चुअली काम किया है वो क्या चाहिए था। आपको याद हो हमने लेबर चैप्टर में भी ऐसे ही करते थे, हमें जब बता दिया जाता था कि इस काम के लिए इतने घंटे लगेंगे तो हम किससे कंपेयर करते थे? एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से निकालते थे कि इतने घंटे चाहिए, जब हम उसमें इंसेंटिव स्कीम करते थे कि एक्चुअल इतना काम हुआ तो इसके लिए इतने घंटे चाहिए थे और इतने घंटे में उसने काम किया तो दैट इज एफिशिएंसी। तो यहां पर भी वही चीज है, यहां पर अगर हमारा 19,000 केजी मटेरियल यूज होता है, सपोज 1000 यूनिट्स बनाने पे हमारा मटेरियल कितना यूज हुआ? 19,000 केजी। तो हम इसको एफिशिएंट कहेंगे या इनएफिशिएंट कहेंगे? एफिशिएंट। अगर आप कहोगे सर 16,000 हमारा बजटेड था, हमने तो 19,000 यूज कर लिया, ये तो इनएफिशिएंट हो गया। नहीं, 16,000 केजी का जो बजट था दैट वाज बेस्ड ऑन 800 यूनिट्स, हमने एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए हैं? 1000। तो 1000 यूनिट के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड क्या था? 20,000 केजी, ठीक है? तो 20,000 को 19,000 से कंपेयर करेंगे। ये मैंने सारा आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए कि फॉर एक्चुअल आउटपुट क्यों लेना है, ये करवाने के लिए। क्या ये फॉर्मूला नहीं था? फॉर्मूला क्या है, अब उस पे आते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला क्या है?
मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला सिंपल सा है बच्चों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, दैट इज माय मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। जो लास्ट स्लाइड थी वो आपने नोट कर ली थी सारी, ये और ये नोट कर लिया था ना, ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको करवाया था, अगर आप करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, करना है नोट, किसी ने करना है, किसी ने नहीं करना, पक्का, चलो मैं इसे हटा देता हूं फिर, ये नोट कर लेना लेकिन ऊपर वाला, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे इसको समझने के लिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे इसे समझने के लिए, ध्यान रखना एग्जांपल, मैं यही एग्जांपल उठा लेता हूं जो भी मैंने आपको समझाया, 100 kg 5 units, ठीक है, और जो मेरा स्टैंडर्ड प्राइस है दैट इज ₹5 per kg ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल आउटपुट कितनी थी हमारी, एक्चुअल आउटपुट 1000 units, ठीक है जी, और जो एक्चुअल कॉस्ट आई है दैट कम्स टू ₹1,10,000, क्या कॉस्ट आई है जी, ₹1,10,000, आप इसको 1,10,000 ना लिख के लिखो ₹1,15,500, ठीक है, ₹1,15,500 एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इज 21,000 kg, एग्जाम्पल समझ आ गया आपको, स्टेटमेंट हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, 100 kg रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर 5 units ऑफ आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा है ₹5 per kg ऑफ रॉ मटेरियल, एक्चुअल आउटपुट है हमारी 1000 units, एक्चुअल कॉस्ट क्या है 1,15,500, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इज 21,000 kg, ठीक है, तो कैन यू टेल मी द मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, कैन यू टेल कितना, देखो सिंपल सी बात, हमें इसमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमारे पास देखो एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी है ना, ये 21,000 kg, एक्चुअल प्राइस है नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं, हमारे पास ये टोटल पूरा के पूरा है 1,15,500, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस है, दैट इज ₹5 per kg ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, समझ गए बात। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे जी, एक्चुअल आउटपुट कितनी है इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 unit ऑफ आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट कितनी है हमारी 1000 इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना है 100 kg / 5,
तो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ गई, 20,000 केजी। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास है, एक्चुअल कॉस्ट है, तो वेरिएंस निकाल दो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू 20,000 × 5 माइनस, हमारे पास ही टोटल के टोटल अवेलेबल है 115,500। तो पॉजिटिव के नेगेटिव कितना, 15,500 एडवर्स। एक लाख तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई ना, एक्चुअल कॉस्ट हमारी 115,500 है, तो हमारा एडवर्स आ गया ना 15,500। नोट कर लो इसके जल्दी से, एग्जाम्पल एंड सोल्यूशन बोथ हैव टू बी नोटेड। और क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले आएंगे बस। जल्दी से नोट करें।